हाय फ्रेंड्स, मेरे नेचर गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो ये मैंने मिर्ची के ही पौधे में, आप देख सकते हो, ये मिर्ची भी लगी है। इसी में मैंने घर में जो पुदीना यूज़ हुआ था उसके कुछ स्टेम निकले थे, तो उसमें से ही 10 स्टेम मैंने लगाए थे, पर 8 स्टेम सक्सेस नहीं हुए और उसमें से 2 स्टेम सक्सेस हुए, उन्हें पत्ती आई। तो देख सकते हो आप, एक ये है और ये एक ये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पत्ती आई थी, फिर मैंने ऊपर से उसको पिंचिंग किया और उसे इतना सारा मैंने इस तरह से बुशी किया। जैसे देखिए, अभी ये स्टेम को यहाँ से पत्ती आई, तो मैंने पिंचिंग करने के बाद इतनी सारा ये नई पत्तियाँ यहाँ पर आ गई। जैसे अभी ये ब्रांच है, तो यहाँ से मैं ऊपर की टिप्स इसकी इस तरह देखिए हटा दूँगी और फिर यहाँ से 2 नई ग्रोथ आएगी, तो ये भी थोड़ी और बड़ी होगी। तो यहाँ से तो इस तरह से ये घना होगा। तो आप देख सकते हो, एक स्टेम से आप इतना अच्छे से पुदीना ग्रो कर सकते हो। तो जब इतनी सारी काफ़ी स्टेम लगाओगे तो पूरी ये बैग है पूरी तरह भर जाएगी। अभी फिर से मैंने कुछ स्टेम लिए, कुछ दिन इसे पानी में रखा और अभी देखिए इसको रूट्स भी आ गए हैं और नई ऊपर से पत्तियां भी निकल गई हैं। तो अभी इसे मैं लगाऊंगी। मैंने कल मिट्टी में थोड़ी नीम खली डाली थी और इसमें कोकोपीट भी काफ़ी मात्रा में है। तो अभी ये मैं पूरी मिट्टी की मैंने गुड़ाई की है। तो अभी ये स्टेम मैं इस मिट्टी में ऐसे इस तरह से लगा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक स्टेम से अगर इतना सारा पुदीना आ सकता है तो इतनी सारी तो पूरी बैग अच्छे से भर जाएगी। तो आप घर पर इस तरह से आसानी से अभी धूप में पुदीना लगाइए। धूप में पुदीना काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, तो आप काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। घर से ही निकले पुदीने से तो ज़रूर ग्रो कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।